हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार। हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के स्लोगन के साथ गोरखपुर न्यूज चैनल ने मतदाता जागरूकता कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत चैनल की टीम जाकर लोगों को 19 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित कर रहा है। सोमवार को गोरखपुर न्यूज चैनल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों से बात की और उनके माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। गोरखपुर न्यूज चैनल के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर शरद मिश्रा, दीपेंद्र मोहन सिंह, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, अभिलाषा मिश्रा, शिवानी मिश्रा, डॉक्टर स्मृति मल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने वोट की कीमत को समझें और अपने जिम्मेदारियों का समझते हुए 19 मई को बूथों तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे देश में मजबूत और सशक्त नेतृत्व मिल सके। गोरखपुर न्यूज चैनल से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने कहा, पूरे देश के 18 वर्ष जिनकी अधिक उम्र है जो मतदाता है, उनसे क्रमबद्ध निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है और दायित्व भी है और एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापित करने के लिए 100% मतदान आवश्यक होता है, तभी आप किसी अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। अच्छी सरकार को चुनने के लिए सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान करें। मैं डॉक्टर स्मृति मल असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। मैं 19 मई को जो वोट होने वाला है उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हर महिलाएं आएं, जो भी 18 साल से ऊपर की हैं, और अपना मत, अपना वोट दें, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हम आज़ाद हैं, हम अपना नेता अपने हिसाब से चुन सकते हैं, और हमें ये पूरा हक है कि हम एक अच्छा और जागरूक नेता को आगे लाएं, ताकि हमारा आगे जाके भविष्य उज्जवल हो और इंडिया एक अच्छे आयाम तक जाए। और ये सब हमारे ही हाथों में है, एक एक वोट कीमती है, क्योंकि हम सब मिलके जब एक अच्छे नेता को वोट करेंगे, एक अच्छे लोग को सामने लाएंगे, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा देश का निर्माण हो सकता है। धन्यवाद। मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप आइए और अपना वोट, अपना मतदान कीजिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। इससे ज़रूरी और कोई काम अभी तो नहीं है। नमस्कार, अपना वोट दीजिए, कीमती है आपका वोट। मैं गोरखपुर जनपद के समस्त सुधी जनों एवं मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना मत एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए अवश्य प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हमको, मतलब हमारे गोरखपुर के लिए अगर किसी अच्छा नेता को चुनना है, तो प्लीज़ आप सब लोग निकलें, घर से बाहर निकलें, सब वोट करें, ताकि हमें एक अच्छा नेता मिले। और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वुमेंस एम्पावरमेंट हुई या सफाई को लेकर हुई, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो किसी अच्छे नेता के हाथ में आए और वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो प्लीज़ आप सब लोग 19 मई को वोट देने के लिए ज़रूर निकलें। थैंक यू। देखिए, मतदान सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है, और यदि हम अपने देश में सशक्त लोकतंत्र चाहते हैं, मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई एक मजबूत सरकार यदि हमारे देश में आए, तो हमें मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान सबसे बड़ा दान है, और इसमें जितने भी मतदान जो के लिए योग्य व्यक्ति हैं, उनको जरूर मतदान स्थल पर जाना चाहिए और मतदान करना चाहिए, और साथ ही साथ और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। जितना ज़्यादा मतदान होगा, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, उतना ही जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार मजबूत होगी। इसको चुनाव है, और मैं चाहूँगी कि सब अपना वोट ज़रूर डालें, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, और जागरूक होके वोट देने जाएं, अपना सही नेता चुने, अपने 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 पक्ष से किसी भी बहकावे में ना आए, जिसको जो लगता है, जो नेता सही लगता है उसको चुने, और वोट डालने जरूर जाएं। आपकी लड़कियां चाहे युवा युवतियाँ हैं, युवा लोग हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, तुमसे क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगी कि बाद में कंप्लेन करने से अच्छा है वो पहले वोट देने जाएं और अपनी अपनी मांगे रखें, उनको जो जो ज़रूरत है वो सब पूरी होगी। आप सभी को पता है कि गोरखपुर में आगामी 19 मई को चुनाव है। मेरी सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि आने वाले चुनाव में आप सभी अपने मत का प्रयोग करें। आप सभी को पता है कि एक मत का बहुत महत्व होता है, खासकर युवा पीढ़ी से मेरा ज़रूर अनुरोध है कि हर एक यूथ कम से कम 10 लोगों को ले जाए बूथ। अगर ऐसी कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर है, तो निश्चित तौर पर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और हम एक अच्छे नेता का चयन कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इथिकल वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, आप खुद मतदान करें,
करें और दूसरों को भी अपना मतदान करने के लिए प्रेरित करें। मेरा उन लोगों से आग्रह है कि वो अपने घर से ज़रूर निकलें और निकलने के बाद जो उनका जो मत है उसका ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि बाद में जो हम लोग सोचते हैं कि ये समस्या है वो समस्या है उसके लिए फिर हम लोग को खुद दोषी हैं। तो जब तक हम अपने जो उपयुक्त हमारा नेता हो अगर हम उसको नहीं लाएंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता। अगर हम अपने मत का प्रयोग ना करें और हम फिर सोचते रहें उसके बाद कि ये समस्या है वो समस्या है, तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और नारियों को जो चूँकि गोरखपुर में हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं तो यहाँ पर जो भी नारियों की समस्या है अगर हम लोग तभी उसको जोश और से लोगों के समक्ष रख पाएंगे अगर हमने अपना मतदान किया हो जागरूकता के साथ और हम उस नेता के पास जा सकते हैं पूरे उसके साथ कि हमें हमारी जो अधिकार हैं जो नारियों की समस्याएं हैं उसको वो समाधान करें। इसलिए मैं आप सब से आग्रह करती हूँ कि कृपया 19 मई 2019 को अपने घरों से ज़रूर निकलें और अपना अमूल्य वोट जो भी उपयुक्त प्रत्याशी है उसको ज़रूर दें। धन्यवाद।